त्वचा के ऊपर जब व्हाइट दाग आते हैं तो बहुत ही नेचुरली वो कॉस्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत बुरा लगता है और सोशली भी अच्छा नहीं लगता है। ये कोई त्वचा पे व्हाइट दाग जो आते हैं कोई बीमारी नहीं है, दिस इज जस्ट मेलानिन पिगमेंटेशन जो त्वचा के ऊपर रहता है वो डेफिशिएंसी हो गई तो ये व्हाइट स्पॉट्स जो हैं, दाग जो हैं वो आ जाते हैं। फिर वो फेस पे हो, आईज पे हो, बॉडी पे हो, कहीं भी हो, जिसे हम श्वेत कुष्ठ कहते हैं, श्वित्र कहते हैं, या आप विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा कह सकते हैं। ये जो व्हाइट स्पॉट्स है उसके ऊपर मेरे ख्याल से आपने कई मेरे पेशेंट्स के मुंह से उनके अपनी रिजल्ट्स की कहानियाँ सुनी होगी और आयुर्वेद में मैं कहूँ इस पे 100% गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ, अगर आप प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट लेते हैं, धीरज रखते हैं, तो उस पे रिजल्ट जो है वो धीरे धीरे आने लग जाते हैं। मैंने कई पेशेंट्स में 100% रिजल्ट भी लाए हैं, देखे हैं, तो मैं कह सकती हूँ कि आप अगर श्वेत कुष्ठ, ल्यूकोडर्मा, विटिलिगो से परेशान हैं तो एक बार आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लाइन जो है करके देखिएगा। हो सकता है आपको 3-6 महीना 1 साल तक ट्रीटमेंट लेनी पड़े, लेकिन ये पिगमेंटेशन सेल्स को स्टिम्युलेट करने के लिए आयुर्वेद में कुछ दवाइयाँ हैं जो बॉडी पे काम कर सकती हैं, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। श्वेत कुष्ठ आने का कई कारण हो सकते हैं, हो सकता है आपकी फैमिली हिस्ट्री हो या हेरिडिटरी भी हो सकता है कि वो आया है। तो दूसरा एक हो सकता है कि अगर आप खाने पीने में कुछ उल्टे सुलटे पदार्थ जो होते हैं जो मिक्स करने में आते हैं, जैसे दही दूध मिक्स करके खा लिया, या दूध में फ्रूट मिक्स करके खा लिया, फिश और दूध के पदार्थ मिक्स करके खा लिए, तो ये जो मिश्रण होता है जिसे आयुर्वेद में विरुद्ध अन्न कहते हैं, जब आप विरुद्ध अन्न डिफरेंट पोटेंसी के जो पदार्थ होते हैं जाने अनजाने आपके खाने में जाते हैं, तो ये बॉडी के अंदर कुछ सटल टॉक्सिन जो है क्रिएट करता है और ये वाइट स्पॉट जो है वो आते हैं। ये मेरे ख्याल से सालों से आपने सुना भी होगा, जब आप कुछ पदार्थ घर में खाते हैं तो तुरंत दादी माँ हाथ से खींच के लेती है कि बच्चा अभी तूने ये किया है, इसके बाद ये नहीं करना, तो सुना करो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो भले उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ना हो लेकिन अगर उसको अवॉइड करने से कोई नुकसान नहीं होता है, होगा तो फ़ायदा होगा, तो करके देखने में कोई हर्ज नहीं है। और ख़ास करके जिन्हें विटिलिगो है, वाइट स्पॉट्स हैं, उनको कहती हूँ कि पित्त को यानी गर्मी को बढ़ाने वाली चीज़ें जो है शरीर में नहीं लेनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा तीखे पदार्थ खा रहे हो, बहुत ज़्यादा खट्टे पदार्थ खा रहे हो, तो वो नहीं करना चाहिए। और जितने अधिक मात्रा में आप कॉस्मेटिक्स लगा लगा के उसको हाइड करने की कोशिश करोगे, देखना कि कहीं ये कॉस्मेटिक अगर नेचुरल सोर्स है ठीक है, अगर एक कॉस्मेटिक लगाने के बाद हाइड करने का जो भी कुछ फॉर्मूला आप इस्तेमाल करते हो वो लगाने के बाद अगर आपके जो स्पॉट्स है वो बढ़ रहे हैं, तो हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर चीज़ आप लगा रहे हैं वो त्वचा को हानिकारक हो रही है। तो आयुर्वेदिक जितने भी मेलानिन पिगमेंटेशन स्टिम्युलेट करने के जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं वो कई बार ओवर स्टिमुलेशन की वजह से रेडनेस या ब्लिस्टर वगैरह भी लाते हैं, तो बहुत ध्यान से आयुर्वेदिक डॉक्टर के सलाह से ही, सुपरविजन से ही आपको लेने चाहिए। और अगर आप विटिलिगो ल्यूकोडर्मा से परेशान हैं तो मैं एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर 22 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं तो आपको ज़रूर कहूँगी निराश मत होइएगा, एक बार आयुर्वेदिक ट्रायल आपको ज़रूर करके देखिएगा। हमने कई पेशेंट्स टीवी पर भी आगे उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, TV1 पे भी आ चुके हैं, उनके दिखा चुके हैं कि उनको 100% रिजल्ट आए हैं।